हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग जनरली बात करने वाले हैं कि पौधे में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और ख़ास करके डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखो, फोटोसिंथेसिस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि भाई जो पौधा में पोषण होता है वह किस विधि के द्वारा होता है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो सिंपल से याद रखना, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की एक विधि है पौधे में, ठीक है। पौधे में जो भोजन बनाने की विधि होती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, तो याद रखना फोटोसिंथेसिस के लिए चार कच्चे सामग्री की ज़रूरत होती है। ओके, क्या क्या होता है ज़रूरत, एक तो जल का ज़रूरत होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होता है, एक सनलाइट का ज़रूरत होता है, और एक होता है हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, समझ में आ गया, क्या क्या, जल ज़रूरत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, ठीक है। तो इन चार की उपस्थिति के वजह से क्या होता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और एटलीस्ट ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो देखो, पौधे में हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फिगर में बिजली देख रहे होंगे, ठीक है, कि सूर्य से सनलाइट मिल रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, और रूट से क्या मिलता है, मिनरल्स या वाटर्स मिलते हैं, और एटलीस्ट पौधा का जो लीफ होता है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का और वाटर और ऑक्सीजन का, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो होती क्या है, तो शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह शुरू से अंत तक कहाँ होती है, पत्ती में ही होती है, ठीक है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, अंगक या इकाई, तो वही बात है, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी क्या कहा जाता है, इकाई या अंगक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, पत्तियों के बाह्य त्वचा पर क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है। अब चलो इसको देखते हैं कि एपिडर्मिस होता क्या है। अगर आप इस पत्ती को, ये जो पत्ती है आपका, अगर इसको माइक्रोस्कोप पर रख के जूम करके देखोगे तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। काजू आप खाओ, जब काजू खाओगे और दो काजू को कुछ इस तरीके से सटाओगे, ठीक है, तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका स्टोमाटा होता है, हरंदर होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो चारों तरफ से, ये आपका होता है द्वारकोशिका, ठीक है। ये क्या होता है, द्वारकोशिका, और यह क्या करता है, जो आपका स्टोमाटा होता है इसको खुलने या बंद होने में मदद करता है, ठीक है। क्या करता है, द्वार कोशिका स्टोमाटा को खुलने या बंद होने में मदद करता है, ठीक। उसके बाद जो आप देख रहे हो बीच में ये जो होल है, यही होल आपका स्टोमाटा का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, रंध्र का खुलना या बंद होना किसके वजह से होता है, द्वार कोशिका के वजह से होता है, यानी कि द्वार कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। चलो, तो पत्तियों को बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस पर क्या पाया जाता है, रंध्र या स्टोमाटा पाया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्सक्रिएट करने का काम करता है, या फिर एक्स्ट्रा वाटर जो बनते हैं पौधे में इसको भी शरीर से बाहर एक्सक्रिएट करने में मदद करता है, कौन, रंध्र। यानी हम लोग कह लें कि वायुमंडलीय गैस का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। या वाष्प उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वह भी किसके द्वारा होगा, रंध्र के द्वारा होगा। रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वार सेल पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका पर निर्भर करता है, यानी कि गार्ड सेल पर निर्भर करता है। चलो, अब देख लो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कितने कच्चे सामग्री की आवश्यकता हो, तो मैंने शुरू में ही बताया चार, एक तो क्लोरोफिल यानी वर्ण हरित, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य का प्रकाश। देखो, हमें क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश तो हमें भी मिलता है, जल भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, लेकिन हमारे शरीर में एक चीज़ का अभाव है, किसका, वर्ण हरित का। और इसी वर्ण हरित के अभाव होने की वजह से हम लोगों में स्वपोषण नहीं पाया जाता। अगर हम लोगों में भी वर्ण हरित होता
तो हम लोग भी इजीली खुद से भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, हम लोगों को भी किसी प्रकार के जीवों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो समझ रहे हो ना क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्लांट में क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ये क्या होता है, खाना खुद बना लेता है। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण इकाई, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, कितना, 78%। ओके, उसके बाद कौन सा, तो उसके बाद होता है ऑक्सीजन, ठीक है, कितना, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। ओके, इसके बाद पॉइंट में समथिंग होता है, उसके बाद कौन सा, ऑर्गेन हो जाएगा, ऑर्गेन एक निष्क्रिय गैस है, 0.94%, ठीक है। याद रखिएगा ऑर्गेन एक नोबल गैस है, इसको निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%। याद रहेगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, 78%। अगर मान लो आपसे ब्रह्मांड में पूछ रहे, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। कौन सा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्थान पर कार्बन ऑक्सीजन कितना, 21%। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही, ठीक है, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.3%। और उसके बाद पूछा जाता है नाइट्रोजन का कितना, 78%। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। आगे है, पौधे अपना भोजन का अधिकतर भाग किससे प्राप्त करता है, जल से प्राप्त करता है। चलो आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है जो वायु शुद्ध रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यह पूछा गया है कि वायुमंडल में है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। आप इस प्लांट को देख रहे होंगे, इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो देखो मैंने अभी क्या बताया, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल चाहिए, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, ग्लूकोज, साथ साथ बनाएगा और फिर क्या बनाएगा, जल बनाने के बाद बनाएगा आपका ऑक्सीजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में बनता है ग्लूकोज, और पौधे में ये जो ग्लूकोज है ये सुक्रोज के रूप में कन्वर्ट होकर के शरीर के सभी भाग में ट्रांसफ़र होता है। तो शरीर के सभी भागों में सुक्रोज का ट्रांसफ़र कौन कराता है, यानी सुक्रोज हो गया फूड पार्टिकल्स, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कराएगा कौन, फ्लोएम। कौन कराएगा, फ्लोएम कराएगा। याद रखिएगा पौधे में जो फूड पार्टिकल्स होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम को हिंदी में बास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बास्ट कहते हैं। और जो मिट्टी से जल जाता है इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, लीफ तक, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है जाइलम, ठीक है। जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू, क्या बोलते हैं, दारू, पीने वाला दारू नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो मिट्टी से जल आता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा, तो यह होता है परासरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। मूलरोम के द्वारा किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है, परासरण प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन जब पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तो वह कौन से क्रिया के द्वारा, विसरण,